प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर बेहद गंभीर हालत निर्मित हो रही है, जिसे देखते हुए रीवा कलेक्टर सभागार में आपदा प्रबंधन की बैठक ली गई। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला सहित सभी विधायक उपस्थित रहे। वहीं इस बैठक के दौरान तमाम सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन द्वारा इस कोरोना कर्फ्यू को लेकर सहमति जताई गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों में रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीना, रीवा पुलिस कप्तान राकेश सिंह तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए चर्चा के दौरान 15 से 25 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कल 15 तारीख से सुबह से कोरोना कर्फ्यू 23 तक लगाए और सैटरडे संडे को अपने आप प्रदेश स्तरीय जो बंद रहता है कोरोना कर्फ्यू वो रहेगा। यहाँ पर जिला आपदा प्रबंधन समिति ने 23 तक का फैसला किया कोरोना कर्फ्यू। सारी व्यवस्थाएं की गई उसमें कोरोना कर्फ्यू के भीतर गाइडलाइंस है वो आपको मिल जाएगा। क्या क्या हमने छूट दे के रखी है, ट्रेन से आने वालों को, पैसेंजर्स को आने वालों को, तमाम दूध की सप्लाई का, ठेला की सप्लाई का, वो सारा का सारा व्यवस्था की गई है और पूरी तरह से जिला प्रशासन को अर्पित किया गया है। इस संबंध में वो देख लें और क्या सहूलियत दे सकते हैं और क्या सुविधा दे सकते हैं, ये पूरा जिला प्रशासन पर छोड़ा। लॉकडाउन नहीं किया, अभी कोरोना कर्फ्यू लगाया 23 तक के लिए, 23 तक जिला स्तर से 23 तक के लिए कोरोना कर्फ्यू। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से नितेश सिंह गहरवार की रिपोर्ट।